अभी अभी जस्ट मैं नहा के आ रहा हूँ और आज मैं जॉब पे नहीं गया, आज छुट्टी है। सो आज देखते हैं पूरा दिन क्या होता है। किचन में नाजनी नाश्ता बना रही है, तो चलो किचन में चलते हैं और देखते हैं क्या बना रही है। क्या नाश्ता है ये खा कर आना है क्या आज? और भी नहीं मिलेगा? नाश्ता नहीं बनेगा क्यों? ये क्या बात हुआ? सो गाइस ये देखो एप्पल लेके आई है और बिस्किट लेके आई है, बट इतना में थोड़ी कुछ होने वाला है, इतना में कुछ नहीं होगा मेरा। तुम खाई क्या? क्या बना रही हो? ये देखो रोटी बना रही है और सब्जी। सब्जी क्या है? आलू और गोभी। तो ये खाओ ना, इतना थोड़ी खाऊंगा मैं। तो गाइस ये है आज का नाश्ता और मैं अभी ये खा रहा हूँ। क्या हो रहा है मैडम? मेकअप। सो दोस्तों अभी हम लोग जा रहे हैं नाजनी का जो सिस्टर है उनके पास, अभी उन लोगों को बताया नहीं हमने। तो नाजनी जो है कब से मेकअप में लगी हुई है और मैं भी रेडी होने जा रहा हूँ, और रेडी होके फटाफट यहाँ से निकलेंगे। कितना टाइम लगेगा और? बस हो गया। हाँ 10 मिनट और लगेगा। सो गाइस आप समझ सकते हैं, लड़की लोग अगर बोलेगी कि 10 मिनट हो गया तो 10 मिनट और जोड़ दो 20 मिनट, अगर आधा घंटा बोलती है तो आधा घंटा और जोड़ दो 1 घंटा। तो ये लड़कियों का ये रहता है, 10 मिनट बोलती है, 10 मिनट बोल के वो आधा घंटा ले जाती है। सो चलो चलते हैं, हम भी रेडी होते हैं। पक्का ना 10 मिनट और कुछ करना बाकी है? ठीक है 10 मिनट बाद मिलते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। सो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं जो नाजनी की जो सिस्टर है बड़ी वाली उनके पास जा रहे हैं, वो भी पास में ही रहती है। तो अभी मैं भी रेडी होता हूँ कपड़े पहन के, और नाजनी तो रेडी हो रही है फिलहाल। 10 मिनट बोली है, 10 मिनट के बाद देखाऊंगा कि रेडी हुई या नहीं हुई है। हमको नहीं लगता कि 10 मिनट में रेडी हो जाएगी। सो चलो मैं भी पहनता हूँ कपड़ा और फटाफट यहाँ से निकलेंगे फिर, और पहुँचना है जल्दी, सरप्राइज देना है। एक्चुअली हम लोगों ने बताया नहीं है, इतना बताया है कि आ भी सकते हैं नहीं भी आ सकते हैं। सो दोस्तों मैं जा रहा हूँ इसको थोड़ा आयरन करने के लिए, क्योंकि ये आयरन नहीं है, तो पहले आयरन करेंगे उसके बाद पहनेंगे। इसके पास इसको फैलाते हैं, यहाँ पे करेंगे आयरन इसके ऊपर। ये आयरन हमारा, ये ऑटो है ना आयरन, मुझे आयरन करना आता नहीं है, बता रहा हूँ। बिना आयरन का ही पहनता हूँ मैं, बट आज कर लेता हूँ। जल गया लाइट और इसको करेंगे आयरन। ये है ऑटो कैट, ऑटोमेटिक है। मैं आयरन करता नहीं हूँ मोस्टली, मुझे पता नहीं है, आइडिया नहीं है आयरन करते कैसे हैं, बट फिर भी कर लेता हूँ थोड़ा बहुत। सो दोस्तों मैंने आयरन कर लिया है, और जितना मुझे समझ में आया मैंने कर लिया है। मुझे ज़्यादा आयरन करने आता नहीं है, मैं बहुत ही कम करता हूँ, कभी कभार कर लिया तो कर लिया, बट बिना आयरन का भी पहन लेता हूँ मैं। तो मैंने कर लिया, नाजनी बिजी थी तो मैं सोचा मैं ही कर लेता हूँ। अभी मैंने कर लिया, अभी पहनता हूँ उसको, देखते हैं जम गया तो मैं पहन लूँगा, नहीं तो यही पहन के चला जाऊँगा ये वाली टी शर्ट। और देखते हैं नाजनी का 10 मिनट हुआ कि नहीं, क्योंकि 10 मिनट में बोली थी कि मैं रेडी हो जाऊँगी, और 10 मिनट हुआ कि नहीं उसका चेक करते हैं। हो गया 10 मिनट हुआ कि नहीं? हो गया। अरे यार 10 मिनट से ज़्यादा हो गया।
20 मिनट हो गया। सो गाइस देख सकते हो 10 मिनट बोली थी लेकिन 10 मिनट से ज़्यादा हो गया, 20 मिनट होने को है। मैंने कपड़े भी आयरन कर लिए बट अभी इनका हुआ नहीं ख़त्म। अभी कितना टाइम लगेगा? ओके ठीक है, फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। जैसे कि मैंने बताया था कि 10 मिनट बोलती है लड़की लोग, तो उसको 20 मिनट पकड़ के चलो, आधा घंटा पकड़ के चलो। तो देख सकते हो आप 10 मिनट हो गया बट मैंने कपड़े भी आयरन कर लिए बट वो लगी हुई है। तो चलो मैं कपड़े चेंज करके देखता हूँ कैसा लगता है और उसके बाद मिलते हैं। सो दोस्तों मैंने कपड़ा पहन लिया है, कपड़ा पहन के जो है बिल्कुल रेडी हो गया हूँ और अभी वापस से चेक करते हैं कि नाजनी का जो मेकअप है वो कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ। वापस चेक करते हैं भाई, आधा घंटा हो गया, अभी हुआ कि नहीं देख सकते हो गाइस। अभी भी नहीं हुआ, अभी बाल जो है बाल पता नहीं बाल में क्या हो गया, अभी वापस से बाल को ठीक कर रही है। बाकी सब हो गया? अभी कितना टाइम लगेगा ये बता दो मेरे पास। हो गया मतलब क्या, 10 मिनट 5 मिनट? नहीं बस हो गया बस। ठीक है फिर ऐसे ही चलें। सो गाइस बोल रही है हो गया बट पता नहीं, देखो लगे हुई है। सो गाइस मैं हो गया हूँ बिल्कुल रेडी, बिल्कुल भी अब मेरा कुछ काम नहीं है, सिर्फ शूज पहनना है और मैं रेडी हो गया हूँ निकलने के लिए। और जो नाजनी है अभी भी लगी हुई है, पता नहीं कितना टाइम लगाएगी भाई। मैं बहुत इरिटेटेड हो गया हूँ, सच बता रहा हूँ। मतलब 10 मिनट बोल के ना एक घंटा हो गया है और अभी भी मेकअप का कुछ ना कुछ तो कर ही रही है वो, दिखाता हूँ मैं आपको। हेलो, जरूरत नहीं ना है ये सब। हुआ कि नहीं हुआ ये बताओ पहले मेरे को। हो गया। कितना टाइम लगा? एक घंटा से ज़्यादा हो गया भाई साहब। हाँ। ऐसे थोड़ी ना होता है यार, मैं कब से रेडी हूँ, तुम तो पता नहीं क्या कर रही हो। हो गया ना। अभी क्या कर रही है समझ नहीं आ रहा, अभी पता नहीं क्या रिंग विंग डाल रही है कुछ। हाँ मतलब पूरा रेडी हो ना अभी? हाँ। कोई इशू तो नहीं है? नहीं। अभी कुछ करना नहीं है ना? नहीं। ठीक है फिर। सो गाइस देख सकते हो अभी बोल रही कुछ नहीं कर रहा है और अभी भी कुछ ना कुछ बैग में पता नहीं क्या कुछ तो कर रही है, कुछ बोल नहीं सकता मैं अभी। क्या ढूंढ रही हो यार, मिल नहीं रहा है क्या? क्या चाहिए अब? ये क्या कर रही है, ये क्या है? हाँ क्या है ये? अरे अभी इसने डीओ लगाया, उसके बाद अतर भी लगा रही है। ओ माय गॉड, ये सब का जरूरत नहीं ना है आधार कार्ड वगैरह का। ये क्या होगा आधार कार्ड का? चलिए मैं पहली बार देखा हूँ किसी लड़की को जो डीओ लगाने के बाद परफ्यूम मारने के बाद अतर लगा रही है। हाँ। ये क्या नया ट्रेंड चल रहा है क्या? हो गया चले। हाँ। चलो अपना फोन ले लिए। मैं फोन ले लेता हूँ ना अपना, मेरा फोन मेरे हाथ में है, तुम अपना फोन लो। ये? क्या एयरबड ले लो ना, फिर डाल लो ना बैग में। मेरा वाला ये है एयरबड। ठीक है, तुम्हारा ग्लास किधर है? ग्लास लोगी नहीं? देख लो अपने हिसाब से। आप बताइए लगा लो। लगा के चलो या फिर ऐसे ही रख लो, मतलब जरूरत है तो ले ले, नहीं तो रहने दो। ठीक है चलो फिर फटाफट चलो, देखते हैं क्या होता है। फैन बंद करो यार, फैन कब से चल रहा है समझ रही हो? आप हैं तो चल रहा है, नहीं तो हम तो चलाते ही नहीं, हम तो उधर रहते हैं। कोई बात नहीं, हॉल में कोई बात नहीं, फैन चलाओ कूलर चलाओ सब चलाओ, बिजली का बिल जीरो आएगा। जीरो आ रहा है। जीरो आएगा ना, जानती नहीं हो कहाँ। सो दोस्तों फैन चलाओ या कूलर चलाओ या बल्ब चलाओ,
बिजली का बिल 0 आएगा ऐसा मुझे उम्मीद है, और जो रियलिटी है वो मुझे कुछ दिनों के बाद पता चलेगा, क्योंकि जो केजरीवाल सर हैं वो माशाल्लाह बताएंगे जब बिजली का बिल आएगा तो दिखाएंगे आपको लाइव। चले मेरा सूज साफ तो करो, कितना गंदा हो गया। गाइस ये देखो, ये है मेरा सूज कैसा गंदा हो गया। ये है मैडम का सूज, देख सकते हो बिल्कुल नया चमक रहा है। और मेरा सूज देखो कितना गंदा हो पड़ा है यार। मेरा सूज पकड़ो पकड़ो लगाऊ, ये देखो ये लगाना भी पड़ रहा है, ये भी मुझे ही लगाना पड़ेगा। देखो शादी के बाद क्या होता है, ये सब करना पड़ता है भाई। सही से दिखाओ, लोगों को पता चलना चाहिए कि मैं ये कर रहा हूँ, और ये सब करना पड़ता है शादी के बाद। जो शादीशुदा नहीं है उनको पता चले ना कि भाई ये सब भी करना पड़ता है। अच्छा जी। यस, ये मैंने मनाली में भी लगाया था ना। याद है। मनाली में भी लगाया था, बहुत बहुत ही टॉप था, है ना? टॉप था, बहुत ही मुश्किल से लगा था, लग ही नहीं रहा था। हो गया, थैंक यू। सो दोस्तों मैं देखो ये पता नहीं क्या है, कुछ तो है इनका मेरे को पता नहीं, जो कि मनाली से ख़रीदा था जब हम लोग मनाली गए थे तो। और यार मेरा सूज का क्या होगा भाई, हटो यार, मुझे ही करना पड़ेगा, मुझे ही करना पड़ेगा। वो ज़्यादा गंदा नहीं है, नहीं उससे, मैं इसी से बढ़ेंगे। मैंने उल्टा पहन लिया यार, इस वाला ये वाला इसमें पहन लिया इसका। वो भी मैं करके दूं, सूज का लेस में ठीक करके दूं क्या? हाँ कर लेंगे, कर लोगी तो फिर क्यों मेरे को बोल रही है? ये कहाँ से मिला, ये मेरा सूज मिला, ये कहाँ से आया? मोर्टीन सूज में कौन डालता है? मोर्टीन कहाँ से? ये मोर्टीन का यहाँ पे था अंदर में। अरे तो झाड़ू लगाने से चला क्या होगा ना? दोस्तों ये मोर्टीन का है, और जो रात को जलाते हैं मच्छर के लिए, वो मेरा सूज से निकला है, पता नहीं उसके अंदर से कैसे निकल गया। वहाँ पे लगा कोई ना कोई तो जलाया होगा, कुछ तो किया होगा। हाँ अपने आप कैसे आ जाएगा? पूरा प्रॉपर रेडी, और कुछ ऊपर से नीचे तक पूरा सब रेडी हो गया, सब कुछ ओके हो गया। चलो चलो बंद करो, चाबी लेके आओ फटाफट। चाबी ली, दोनों चाबी ली, ओके। इसको तो बंद करो, बालकनी का डोर, लाइट वाइट देख लो बंद है ना, लाइट लाइट चेक कर लो एक बार, बंद है। फिर से आईना देख रही है, पसीना तो होगा ना, गर्मी है तो लाइट चेक कर लो एक बार। सो दोस्तों ये छोटा सा आईना जिसमें हम लोग कभी कभी देखते हैं। चलो बोलो बंद कर दो, यही काम सुबह मेरा। सुबह और शाम क्या होता है, जब मन किया तब जाते हैं ना, सुबह शाम क्या होता है? धूप तो क्यों ना, धूप तो है ना, धूप से क्या करने का है, धूप तो रह गई, इसका कुछ कर नहीं सकते ना, तो हमारे हाथ में नहीं है ना धूप का। चेक करो सही से,
दोस्तों हम लोग हो गए हैं रेडी और अभी हम लोग लॉक करके और निकल रहे हैं रोड पे, जा रहे हैं, देखते हैं क्या मिलता है जाने के लिए। सो बस मिलेगा, ऑटो मिलेगा या फिर कैब करना पड़ेगा, पता नहीं। तो फिलहाल जाते हैं, देखते हैं क्या होता है। कैसा लग रहा है देख सकते हो? क्या अच्छा लग रहा है जाने में? गर्मी बहुत है, बाहर धूप बहुत है यार। मैं कैब लेना भूल गया अपना, उधर धूल मिट्टी डस्ट बहुत उड़ रहा है। कोई बात नहीं, सारे डस्ट उड़ता है ना दस बाल में पूरा आ जाता है। सो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं रोड पे और देखते हैं क्या मिलता है, जो भी मिलेगा फटाफट यहाँ से निकलेंगे, देखते हैं कितना वेट करना पड़ता है। चलो चलते हैं। दोस्तों हम लोगों को एक ऑटो मिल गई थी और ऑटो से हम लोग आ गए हैं। अभी यहाँ पे एक बस स्टैंड है, यहाँ पे बस से जाएंगे, देखते हैं बस मिल जाएगी तो जल्दी। और इतना ज़्यादा धूल मिट्टी उड़ रहा है बता नहीं सकते, यहाँ पे बहुत जल्दी पहुँच गए ना हम लोग ऑटो से। डस्ट बहुत है, बहुत ज़्यादा डस्ट है, पूरा भर जाएगा कपड़ा सर में, पूरा ये ऐसे घुस जाएगा। चलो फटाफट निकलो, आ जाओ, इतना ज़्यादा डस्ट उड़ रहा है बता नहीं सकते। सो गाइस आ गए बस स्टैंड और वहाँ पे हम लोग जा रहे हैं और वहाँ से फिर बस पकड़ेंगे, बस पकड़ के फिर वहाँ से जाएंगे। सो गाइस अभी हम लोग आए हैं बस स्टैंड पे और यहाँ पे कर रहे हैं बस का वेट। तो पहले मुझे पता करना पड़ेगा कि यहाँ से कितने नंबर बस जाती है, तो मैं ऐप पे चेक करूँगा, उसके बाद जाऊँगा यहाँ से। सो मैं पता नहीं इधर है, पहले मैं चेक करता हूँ कितने नंबर बस जाएगी और उसके बाद यहाँ से निकलेंगे। दोस्तों मैंने चेक कर लिया है अभी कितने नंबर जाएगी, बट अभी तक बस आई नहीं है, तो अभी हम लोग वेट कर रहे हैं, देखते हैं कब तक आती है। पूरा डस्ट से ख़राब हो गया क्या मेकअप वगैरह? मेरा बाल पूरा बढ़ गया है डस्ट, इतना डस्ट उड़ रहा था। बट ठीक है, अभी देखते हैं, वेट कर रहे हैं अभी हम लोग और यहाँ से बस आएगी तो फिर निकलते हैं। सो गाइस हम लोग कब से वेट कर रहे हैं बस का, बट बस अभी तक नहीं आई है और यहाँ पर इतना धूल मिट्टी उड़ रहा है बता नहीं सकता। बस काफ़ी टाइम से नहीं आई है, हमारी वाली जो बस है वो नहीं है, बहुत सारी बसें आ रही है बट जो हमें चाहिए वो नहीं आ रही है बस, बट ये कहीं और जाएगी, बट हमारी वाली जो है वो नहीं आ रही है, बस नहीं आ रही है, क्या करना है फिर? हाँ राजनी, बस नहीं आ रही है। सो गाइस मैं कब से वेट कर रहा हूँ, बस नहीं आ रही है और काफ़ी टाइम हो गया, आधा घंटा से ऊपर हो गया। तो मैंने लास्ट में कैब बुक किया है और कैब आ रही है तो कैब से जाएंगे। दोस्तों हम लोग अभी उतर गए हैं और कैब ने हमें छोड़ दिया यहाँ पे, और यहाँ से थोड़ा सा गली है तो कैब अंदर तक नहीं जा सकती है, तो हम लोग उतर गए हैं और यहाँ से पैदल जाएंगे, मतलब 2 मिनट लगेगा पैदल यहाँ से। सो हम लोग यहाँ से पैदल चले जाएंगे और थोड़ा चॉकलेट वगैरह ले रही है ना जी, ये बच्चे हैं जहाँ पे जा रहे हैं हम लोग, उसके बाद जाएंगे। जल्दी करो, सो दोस्तों टाइम नहीं मिला अपने को और हम लोग आ गए, हम लोग पहुंच गए जहाँ पर पहुँचना था और पहुँचने के बाद खाना वाना खा के हम लोग सीधे आ गए मॉल में। मॉल में आ गए और मॉल में बिल्कुल अंधेरा हो गया और मॉल में बिल्कुल अंधेरा हो गया है और काफ़ी टाइम हो गया मॉल में घूमते घूमते और अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर।
चल रहा है, ऐसे ही चल रहा है, बहुत स्लो चल रहा है। ये बच्चों का ट्रम है और इतनी बड़ी बड़ी लड़की लोग बैठेगी तो स्लो ही चलेगा, बताओ, बोल रही स्लो चलेगा। ये रहा मॉल, और अभी मॉल से हम लोग शॉपिंग करके बाहर आए हैं, और आने के बाद यहाँ पे थोड़ा बच्चे भी है साथ में, इसके लिए थोड़ा वो लोग जिद कर रहे थे कि मेले में जाना है, तो बच्चों के साथ नाजनी भी बच्चा बन गई है, देख सकते हो गया राउंड ख़त्म। ख़त्म नहीं हुआ राउंड अभी। सो गाइस, हम लोग आए थे घूमने के लिए जो कि नाजनी के सिस्टर के पास, बट उसके बाद हम लोग चले गए मॉल। मॉल के बाद आ गए हम लोग एक मेले में जो कि बच्चों का मेला है, और ये भी बच्चा बन गई है, और बच्चे तो वाले ड्रम में घुसी हुई थी, अभी बाहर आई। तुम बच्ची हो तो? अच्छा जी, ठीक है, देखते हैं। सो चलो, बच्चे लोग और परेशान कर रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, घूमने के बाद निकलेंगे हम लोग यहाँ। गाइस, हम लोग आ चुके हैं वापस, और सुबह के 9 बज रहे हैं, और जस्ट मैं नहावा के आ रहा हूँ, और रात को हम लोग वहीं पे रुक गए थे, और जो भी थोड़ा बहुत शूट किया हम लोगों ने, बाकी ठीक है। चलो, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अभी मैं जा रहा हूँ जॉब पे, तब तक के लिए बाय। क्या बोलती हूँ, ये नहीं बोलेगी, सिर्फ बाय बोलती।